Hey, what's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज अपन लोग खेल रहे हैं दोबारा से Roblox. And guys, Roblox में आज हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे मिलिट्री टाइकून एंड अपना पूरा बेस होने वाला है गाइज. और यहाँ पर अभी बेसिकली कुछ भी नहीं लगाया अपन लोग ने, लेकिन बहुत कुछ बनाने वाले है. तो भाई यार, आपका बेस तो बहुत यार खाली खाली लग रहा है, इसमें क्या बनाओगे भाई? अरे दोस्त, आज अपन लोग बन के आए हैं इंडियन आर्मी, समझ रहे हो? इंडियन आर्मी भाई, अपने देश के आर्मी बनेंगे गाइस अपन लोग. तो भाई यार, मैं चाइना बन गया भाई, क्या करूं एक गेम में यार, कुछ और नहीं लिया जा सकता है फ्रॉस्ट भाई. ओके, तो गाइस इंडियन आर्मी मैंने पहले लॉक कर ली थी और चॉप द नूब भाई यहां पे फंस चुका है चाइना आर्मी के साथ. लेकिन कोई नहीं, वो भी यार अच्छा ही बेस बनाएगा, तो उसको बेस बना देते हैं. और ये देखो गाइस, हम लोगों ने वर्कर लगा दिए और ये जो वर्कर है ना, ये हमें यहां पर कैश कमा करके देंगे और इन कैश से अपन लोग अपनी पूरी की पूरी बेस को अपग्रेड करेंगे एंड उसमें डिफेंसेस इंस्टॉल करेंगे. तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है आज का एडवेंचर. और अगर वीडियो में नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, ठीक है? अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, हमारी चैनल पसंद आ रहा है आपको, तो सब्सक्राइब के बटन पे दबा दो. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो. एंड या लेट्स गो गाइस, अभी मेरे को देखने जा रहा है चॉप द नूब है कहां पर. और आप लोग देख सकते हो काफी बड़ा मैप है गाइज, मतलब लिजिट पूरा अर्थ कवर करने की कोशिश की गई है यहां पर. एंड ये तो हम लोगों ने प्राइवेट सर्वर बनाया है, बट अगर आप एक नॉर्मल सर्वर में जाओ तो इजिली, मतलब इजिली बता रहा हूं मैं, 14 से 16 कंट्रीज यहाँ पर आ सकती है. एंड आप लोग देख सकते हो यार, हर जगह यहाँ पे टेररिस्ट का बेस बना हुआ है. ये देखो इधर है, मतलब ये अलकायदा आईएसएस वाले जितने हैं ना, ये भरे पड़े हैं भाई इधर. और आर्मी का यार मकसद यही होता है कि ऐसे जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको ढूंढ करके ठिकाने लगाना, मतलब बेसिकली उनका खात्मा करना. और गाइस ये देख रहे हो, ये है भाई एरिया 51 टाइप सिक्योरिटी वाला, गॉड डैम वन हेल ऑफ अ प्रिजन. मतलब आपको मैं बता रहा हूं, इसके अंदर घुस पाना इज इम्पॉसिबल. एंड अगर आप इसके पास जाओगे तो भाई आपके ऊपर नॉन स्टॉप गोलियां बरसाई जाएंगी. रुको मैं दिखाता हूँ आपको. तो भाई आप कहां जा रहे हो भाई? जंग के मैदान में ऐसे घुस रहे हो? अरे भाई 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 भाई, भाई. पूरा एक्सप्लोजन हो रहा है भाई लेफ्ट एंड राइट, कैसे कैसे डॉज करके आ रहा हूं मैं ही जानता हूं. और गाइस अगर आप इनके ज्यादा क्लोज चले जाओ तो यहां पे गोलियां नहीं बरसा पाएंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज्यादा डिस्टेंस ना मेंटेन करो. बट एज यू कैन सी हमें चॉप दिखाई दे रहा है. चॉप के बच्चे बोला तो था यही मिलेंगे अपन लोग. तो भाई अरे मैं थोड़ा दूर हूं भाई, मेरे को गोली नहीं खाना, वो लोग बहुत गोली मारते हैं भाई. देखो कोने छुप के बैठा है. चॉप देख भाई आ गया मैं मिलने के लिए. तो भाई दिखाई दे रहे हो मेरे को, लेकिन आपके पीछे बहुत फायरिंग हो रहा है भाई. ऑलराइट गाइस, चॉप तो मिल गया है, चल ना फायरिंग की तरफ चलते हैं भाई. एक बार बेस में घुस के देखना है गाइस मेरे को, मैं खुद अंदर नहीं गया हूं अभी तक. एंड आई फील लाइक कि अगर हम लोग एक बार जाएंगे तो हम लोगों को भाई एक्सप्लोर करने मिलेगा इतना ज्यादा खतरनाक बेस. तो गाइस आप लोग क्या कहते हो, अंदर जाना चाहिए ना? तो भाई यार अभी तक आप बहुत लकी हो गए, लेकिन कभी भी आपका किस्मत खत्म हो सकता है फ्रॉस्ट भाई. अरे किस्मत तो यार कभी भी सही बोल रहे, खत्म हो सकता है, लेकिन मेरे को एक बार अंदर जाना है. ओए भाई साहब, गेट खोलो यार, गेट खोलो, मिस्टर फ्रॉस्टी मिलने आए हैं. अगर आज हमारी किस्मत में बंदूक की गोलियां लिखी होंगी तो हमारा चैप्टर यही ओवर हो जाएगा. अभी गेट खोल सके? अरे नहीं खुल रहा है, ये लगता है गाइस अंदर से ही खुलेगा. ओके चॉप, तू भाई इधर से ट्राई कर और मैं पीछे का दरवाजा खोजता हूँ. ओके तो गाइस एक और एंट्री है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो. ओ भाई ये क्या है, बीच में भाई समुंदर वमुंदर बना के रखा है इन लोगों ने. खैर उस बेस पे बाद पे हमला करेंगे, पहले इसमें देखते हैं. एंड व्हाट द हेल भाई, मैंने मिलिट्री बेस में एंट्री मार दी. ओ माय गॉड, नॉन स्टॉप फायरिंग हो रही है गाइस. मेरे पास बंदूकें नहीं है क्योंकि मैंने अनलॉक नहीं की अभी तक एक भी बंदूक. एंड ये क्या, एनिमी इज राइट देयर. अरे 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 सर 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 सर, ही विल विन हु नोज हाउ टू हैंडल बोथ सुपीरियर एंड इनफीरियर फोर्सेस. तो गाइस इसका मतलब ये है कि भाई हम लोग मारे गए, मतलब बेसिकली हाई क्वालिटी में बता रहे कि तुम मारे गए, लेकिन एक्चुअली में अपन लोग इतने प्रो नहीं है कि अभी उस बेस में घुस जाए और उनको चुनौती दे दे, चाहे दो कंट्री एक दूसरे से हाथ क्यों ना मिलाए. देख रहे हो गाइस, इंडिया भाई चाइना दोनों मिलकर अटैक कर रहे थे फिर भी नहीं हो पाया. तो भाई हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है भाई, आपने देखा चाइना वाले कैसे कर रहे भाई हमारे साथ. अरे कोई ना दोस्त, उनको अकेला छोड़ो, अभी तुम देखो इंडियन आर्मी भाई अपन लोग बनाएंगे ऐसी, तुम लोग देखते रह जाओगे गाइस, इतना एकदम प्राउड फील करवा देंगे गाइस आपको इस वीडियो में. एंड लेट्स गो. तो यहाँ स्टेयर बना दिया हम लोगों ने, स्टेयर के बाद क्या बनाया, ओके सेकंड फ्लोर, व्हाट अबे सेकंड फ्लोर भी है, ऑलराइट लेट्स गो. वर्कर यहाँ पर लगता है, यहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए. एंड लुक एट दैट, हमारा पहला बंदा क्या फायरिंग कर रहा है दोस्त, लगे रहो तुम, निशाना लगाओ एकदम ठका ठक. एंड गाइस ये जब तक गोली चलाता है ना, मैं अपने गोली का यार बंदोबस्त कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद गोली बंदूक नहीं है भाई. कैसा मिलिट्री बेस चला रहे अपन लोग. ओके एक पिस्तौल मिली है मेरे को, इस पिस्तौल से मैं बंदे मारूंगा गाइस. यार मुझे लगता है ये रोब्लॉक्स वाले भाई मुझे सड़क छाप गुंडा समझ रहे हैं भाई, इनको लगता है बताना पड़ेगा भाई अपन लोग एक कमांडिंग ऑफिसर जनरल है और एक पिस्तौल से भाई अपन लोग एक आर्मी निपटा सकते हैं अगर मौका मिला तो, समझ रहे हो? मतलब ऐसा ऐसा नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर ऐसा आया गाइस नौबत तो अपन लोग पीछे भी नहीं हटेंगे. देखो फर्स्ट पर्सन में क्या शूटिंग कर रहा हूं मैं, खट 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 खट. ऑलराइट बहुत ज्यादा खटखट हो गया, अभी फटाफट से यहाँ पे और वर्कर्स असाइन करते हैं एंड इनको ड्यूटी पे लगाते हैं. सो आई डोंट नो गाइस कैसे ये चीज काम करता है, क्योंकि जहां तक मेरे को पता है मिलिट्री और आर्मी को जो फंडिंग
है वो गवर्नमेंट देती है, लेकिन आई थिंक हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे जो आर्मी का नंबर है वो बढ़ाते जा रहे ट्रेनीज का, तो गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है गाइस कि हमें ज्यादा फंड की जरूरत है बेस इनकैंपमेंट जो है अपना एनलार्ज करने के लिए, तो इसीलिए वो हम लोगों को ऐसे पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम लोगों को बेसिकली ऑल वी हैव टू डू इज कि बंदों को हायर करना है एंड अपना पैसा बढ़ते जाएगा। और ये क्या हुआ भाई, मेरे को यहाँ पे आर्मर इक्विप नहीं करने दिया जा रहा है। व्हाट द हेल मैन, मेरे को दो यार इक्विप करने। तो भाई लगता है ऐसा नहीं देगा भाई, आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, कुछ कुछ अचीव करना पड़ेगा भाई, अचीवमेंट अनलॉक करो फर्स्ट भाई। अबे कैसी अचीवमेंट, आई थिंक हमें चॉप को मारना पड़ेगा भाई, तब जाके ये सुपर डुपर ऑसम अमेजिंग वाला आर्मर अनलॉक हो पाएगा। लेकिन डोंट यू वरी गाइस, हमारी आर्मरी जो है धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाएगी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें ही हम लोगों को काफी कूल कूल आर्मर देखने को मिलेंगे। ओ भाई ये देखो नई गन मिल गई गाइस, उजी मिली है और एक और गन मिली है, ये कौन सी गन है भाई, इसका तो नाम भी नहीं पता। अच्छा MP5, ऑलराइट लेट्स गो। और ये देखो गाइस हमारी उजी क्या चल रही है भाई, ये पिस्टल से तो वे बेटर है, इससे हम लोग किसी बंदे के छल्ली छल्ली कर सकते हैं। और ये रही हमारी MP5, इसको इसके ऊपर यूज करते हैं, डमी प्रैक्टिस करते हैं। खट 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 खट, देख रहे हो गाइस अंदर में सही में एक बंदा है भाई, और उस तक गोलियां नहीं पहुंच रही है। ये है इस सुपर डुपर लेजेंडरी आर्मर की खासियत। वेल मेरे को तो नहीं पता ये एक्चुअली में है क्या, बट हू केयर्स भाई, अपन लोग पैसा कमाने आए हैं एंड पैसा कमाने दो। $6,500 हो गए भाई, इतने पैसे मतलब 6.5 मिनट में गाइस देख रहे हो $6,500 कमा लिया हम लोगों ने एंड एक और वर्कर अनलॉक कर लिया जाए। वैसे तो अभी काफी रात हो चुकी है, वो देखो हमारा इंडियन आर्मी का फ्लैग गाइस ऊपर में वहां पर एकदम लहरा रहा है और हम लोगों को यू नो प्राउड फील करा रहा है अपने कंट्री के लिए। सो लेट्स गो, अभी मेरे को एक्चुअली में बहुत सारा काम करना बाकी है, वी डोंट हैव टाइम। तो मैं यहाँ पर यार आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, जब हम लोगों ने मेजर मेजर सुप्रीम वाली डेवलपमेंट कर ली होगी एंड मोस्ट ऑफ चीजें अनलॉक कर ली होगी। सो लेट्स गो। ऑलराइट सो गाइस, यहाँ पर लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने अपना बेस मैक कर लिया है एंड चॉप आया है भाई हमारे बेस में टूर लेने के लिए, तो हम लोगों ने इसको एंट्री दी है यहाँ पर एंड एज यू कैन सी पूरा का पूरा मिलिट्री बेस गाइस अपना एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको हर जगह मिलिट्री पर्सनल प्रैक्टिस करते हुए मिलेंगे, आपको हर जगह 7-7, 10-10 फीट ऊंची दीवारें मिलेंगी जिनको पार कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इन पे हम लोगों ने दरवाजों पे भी यार लेजर सिक्योरिटी लगाई। ये देखो भाई ये हमारा वोल्ट है गाइस, इसके अंदर हम लोग अपना न्यूक्लियर मिसाइल का जो एक्टिवेशन होता है ना वो इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे गाइस। रुको मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर के चलता हूँ। ये है भाई हमारी लिफ्ट, मतलब इमरजेंसी में अगर हम लोगों पे हमला हुआ ना तो इस लिफ्ट से अपन लोग गैराज में जो रखी हुई गाड़ी उसको नीचे ला। भाई ये लॉक कैसे हो गया? तो भाई मैं आपके वोल्ट पे यार घुसने आया था भाई, आपका वोल्ट बंद हो गया भाई। अरे रेड इनिशिएट कर दी इस नुबड़े ने गाइस, मेरा जो पूरा का पूरा सिक्योरिटी है उसको लगा कि भाई हमारे जो वोल्ट है गाइस उसके अंदर चोरी हो रही है और उसने शटडाउन इनिशिएट कर दिया है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने डायमंड कटिंग मशीन भी लगा के रखी है और ये भाई हमारे न्यूक्लियर मिसाइल को चोरी छुपे लॉन्च करना चाहता था चॉप का बच्चा गाइस। और ऐसे सिचुएशन में आपके पास और कोई भी उपाय नहीं है सिवाय यहाँ पर आपको एक्सप्लोसिव फोड़ करके निकलना होगा, क्योंकि जो एंट्रेंस है गाइस चॉप नुबड़े ने ब्लॉक कर दी भाई, मतलब अपन लोग अब अंदर ही लॉक हो गए। माना कि सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन इसको पूछ के घुसना चाहिए था अंदर। फ्रॉस्ट भाई यार आप तो सीक्रेट रास्ते तो निकल जाओगे भाई, मेरा क्या होगा फ्रॉस्ट भाई? दोस्त तुम्हारा वही होगा जो एक कैदी का होता है, तुम भून दिए जाओगे। लेकिन गाइस इससे पहले कि अपन लोग यहां से निकले मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम दिखाता हूं। तो यहां पर अपन लोग बाकी कंट्रीज के साथ समिट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अब तो लगता है चॉप ने उसका कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा क्योंकि उसने हमारी नेशनल ट्रीटी को भाई डिसग्रेस किया है गाइस हमारे बेस पर घुस करके। फ्रॉस्ट भाई मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप टूर देने आए, तो भाई मैं टूर लेने आया था, आपने मेरे को यार कैदी घोषित कर दिया फ्रॉस्ट भाई, यहां पर स्कैम मेरे साथ हुआ है भाई। स्कैम नहीं हुआ है दोस्त, तुमने मेरे घर में घुस के चोरी करने की कोशिश की, मैं सोच रहा था तुम्हें टूर दूं लेकिन दोस्त तुम तो चोर निकले। चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं जानता था चाइना वालों से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है एंड लुक एट दिस, हम लोग आ गए एकदम बाहर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योरली। वैसे मैं जानता हूं चॉप चोरी नहीं कर रहा था, लेकिन स्टिल गाइस देखने में काफी ज्यादा मजेदार था। और ये देखो भाई ये रहा हमारा गैराज, यही इसी की बात कर रहा था मैं, इसमें अपन लोग एटीवी वगैरह स्पॉन कर सकते हैं। अबे सब नीचे चली गई। सो गाइस ये काफी मजेदार होती है चलाने में। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, इसमें हम लोग काफी सारी चीजें अनलॉक करेंगे, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, अपन लोग का एयरप्लेन कंप्लीट होने वाला था, बट गाइस बहुत महंगा है यार एक एयरप्लेन बनाना। मतलब मैं भाई 2 घंटे मतलब 1 घंटे मेरे ना सिर्फ इंतजार करने में गुजरे हैं कि मेरा प्लेन कब रेडी होगा, समझ रहे हो, इतने पैसे चाहिए। हमारे पास यहाँ पर एक स्पीड बोट भी है जस्ट इन केस अगर हम लोगों पे कोई समुद्र से हमला करता है तो उसकी बैंड बजा देंगे भाई अपन लोग, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को भाई। यहाँ पे अपन लोग ने सारा बंदोबस्त करके रखा है। और ये देखो गाइस प्लेन का सारा पार्ट अनलॉक है, लेकिन ये कॉकपिट देख रहे हो ये $1,000,000 का है, मतलब ऑलरेडी मतलब $5,00,000-$6,00,000 के तो भाई इसके टेल आते हैं सिर्फ प्लेन के, और अपन लोग को कॉकपिट अनलॉक करने के लिए 1,000,000 देना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे हम लोगों का एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे अपन लोग, और इसको बनाने में बहुत पैसा लग रहा है, लाइक आप लोग यकीन नहीं करोगे इतने महंगी आती है ये चीजें। ये देखो इसमें से हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं ये डिस्ट्रॉयर चूज करूंगा ना तो ये है एक वॉरशिप, मतलब
समुद्र का राजा जिसको कहा जाता है गाइस, ये वो है। ये जब समुद्र में उतरती है तो दुश्मनों के पसीने नहीं लिटरली बंदूकों की गोलियां छूट जाती है, इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी गाइस। और ये है हमारी टॉप ऑफ द लाइन सिक्योरिटी व्हीकल। इसमें अपन लोग भाई कार्गो एक्सपोर्ट करते हैं, बुलेट प्रूफ फुल्ली लेस्ड चीज है भाई, इसको हाथ तक लगाना इम्पॉसिबल है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा बेस का टूर यार, जल्दी से कमेंट्स में बताओ। एंड अगर आपको ये वीडियो का यार पार्ट टू चाहिए तो बिल्कुल बताना यार, क्योंकि मेरे को बनाने का बहुत ज्यादा मन है गाइस। एंड इससे पहले कि हम लोग यहाँ से निकले, लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है। सो गाइस ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने भाई अपना आर्मर और अपना जो यूनिफॉर्म होता है वो रखा है, और आप लोग देख सकते हो इन्वेंट्री में काफी सारी गन्स आ चुकी है। शॉटगन है, M16A4 है, मतलब यू जस्ट नेम इट एंड वी हैव गॉट इट भाई। हर किस्म के प्रकार के आपको यहाँ पे बंदूकें देखने को मिलेंगी, एंड इनफैक्ट हम लोगों के ऊपर इंडियन फ्लैग भी बना है। और ये देखो भाई, अपन लोग वीडियो का एंड करेंगे इस क्रिमिनल के बच्चे को मारते हुए। एंड कहाँ पे छुप के बैठा है, चौप के बच्चे सामने आ। फोर्ट भाई आपने तो यार यहाँ पे मिसाइल सिस्टम लगा के रखा है फोर्ट भाई। बच नहीं पाओगे दोस्त, ऐसे ये बहुत ही नल्ला मिसाइल सिस्टम है गाइस, 10 में से एक गोली नहीं लगती है भाई इसको, इससे अच्छा तो मेरा मशीन गन है। लेकिन खैर हटाओ, क्या ही फर्क पड़ता है गाइस, वीडियो पर्पसेस के लिए काफी मजा आता है इसमें फ्रेंड्स के साथ। लेकिन हाँ, ये जो गन है ये बहुत बवाल चीज है भाई, ये जब चालू होती है गाइस दुश्मन के बैंड बज जाते भाई, पसीने छूट जाते हैं, देखो कैसे भाग रहा है। Alright, so guys, I hope you enjoyed this one. If you did, make sure to like and subscribe, and I'll see you guys in the next one. Until then, thanks for watching and stay frosty.